चाणक्य नीति, चाणक्य नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा, तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करता था। चाणक्य ने तेल वाली लैंप जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप अभी जल रही थी उसे बंद कर दिया और एक नई लैंप जला दिया। दार्शनिक ने सोचा कि ये भारतीय लोगों का आगंतुक का सम्मान करने का कोई रिवाज होता होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा कि आपने जलती लैंप को बंद क्यों किया और फिर नई लैंप जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या यहाँ आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, यहाँ कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ लिख रहा था और उस लैंप के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिला है, लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस लैंप का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है जो मैं नहीं सह सकता, और जो दूसरी लैंप में जो तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत जहाँ इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसलिए भारत को जगतगुरु कहने में कोई दोराह नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चले तो उसे दुनिया की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती। जैसे दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कुबेर भी अगर आय से ज़्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले तीन सवाल अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा, क्या मैं सफल रहूँगा। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा ही आपका मंदिर है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है अपने जन्म से नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। अज्ञानी के लिए किताबें और धंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। अपने रहस्यों की किसी से भी उजागर मत करो, यह आदत आपके स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध होगी। कोई भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़वा सच। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त ना बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। संसार में ना कोई तुम्हारा मित्र है ना शत्रु, तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? चाणक्य कहता है, क्या पता
किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया का कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपने ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन आपने किसी काम का नहीं होता, अतः उसका त्याग करें, इसके लिए यही उत्तम है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।